कि मेरा कमाल फन तो बस इतना सा है जिगर, मोदी साहब के लिए इतना सा ही है मेरा कमाल फन तो इतना सा है जिगर, जिगर मोदी साहब के लिए खाली जिगर को हटा के मोदी लगा दो आप चाहे, मेरा कमाल फन तो बस इतना सा है मोदी। वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। वाँ वाँ और ये आज तो पाँच दुनिया में 26 कंट्री के 28 कंट्री के बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला। आज भाई का भाई दुश्मन है वो, आपका शहर सुनो आप कि नफरत का जहर खून में रंग लाने लगा है और जहरीला हर एक शख्स नज़र आने लगा है। और इस दौर के इंसान के अमाल तो देखो, शैतान भी इंसान से घबराने लगा है। वाँ वाँ और तुम आग को इसके से भुजा पाओगे, अख्तर अख्तर साहब का शेर है, हर मोड़ पे अब खून भी टकराने लगा है, भाई भाई का दुश्मन है। उस दौर में ये G20 का होना अपने आप में इमेजिन एकदम सुपर। मैं मेरा अपना विचार है, मैं दूसरे के विचार का नहीं, मैं अपनी अपने 76 साल के तजुर्बे में ये बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो कदम उठाया है ये कोई आसान काम नहीं। हाँ जी, मेरा नाम आवाज़ मोहम्मद है, मेरी उम्र 76 साल है और मैं 60 साल से लाख का काम करता चला आ रहा हूँ। और यह हमारा डाइंग क्राफ्ट है और पर हमारी 7th जनरेशन ये लाख का काम चले। हम राज्य शिल्पी हैं, राजा ने परिवार ने हमको ला के यहाँ पे जयपुर बसाया और हम मनियारे और मनियारों के रास्ते में हम रहते हैं। अभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं G20 में, आप यहाँ प्रगति मैदान में क्राफ्ट बाजार में हैं, यहाँ तो हर कोई आ भी नहीं सकता, बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है और बहुत पासेस बनते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? दरअसल क्या है कि मैं ये लाख के काम में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है और मैं पूरा विश्व घूम के आया हूँ, 22 कंट्री, और 40 साल से लाख के काम में डेमो करता रहा हूँ। लेकिन जो G20 के अंदर मेरे को इन्विटेशन मिला है उससे मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं विश्व में सब जगह घूम के आया, 76 साल की उम्र है, सब तजुर्बा है। लेकिन जो G20 में मेरे को इनविटेशन मिला, स्पेशल मुझे बुलाया, तो मैं इसलिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती जो मोदी साहब ने जो सबको इकट्ठा करके इस लड़ाई वाले माहौल के अंदर भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, जो मैं उनका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उसका कारण उसका उन्होंने पूरी दुनिया को ला के यहाँ पर लेके आएंगे, कल वो तशरीफ़ लाएंगे, सब हमारी जो डाइंग क्राफ्ट है, हमारी जो रिच क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए जो मंच बनाया है वो उसमें मिसाल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपकी उम्र और आपकी एनर्जी देख के मुझे भी खुद जोश आ रहा है। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं मेरे, जो छोटे यंगस्टर्स हैं जो नौकरी के तलाश में भटकते रहते हैं, नहीं नहीं ये लाख का काम सीखे, क्या बात है। मेरी बेटी को भी स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये मेरी बेटी का भी कार्ड है, उसको भी स्टेट अवार्ड मिला है। और हजारों लड़कियों को, बेवाओं को, उनको, गरीबों को स्लम एरिया में लाख का काम सिखाती है। और मैं भी सब पूरे जो बच्चे स्कूल से आते हैं उनको लाख का काम सिखाता हूँ और उनको कहता हूँ कि देखो लाख का काम सीख लो, फिर मत कहना ये अच्छा पैसा है। नहीं, ये हमारा जो वुमेन्स पावर है, हम जो सबसे पहले मनियार है, हमारी बेटी को सबसे पहले लाख का काम सिखाते हैं ताकि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, पति मर जाए और दिक्कत हो जाए, तो अपनी बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कोई भी गले मोहल्ले में बैठ जाएगी, हमारे राजस्थान का स्वाग है, तो इसमें टेंशन रखने की जरूरत ही नहीं है। लाख का काम सीखो और करोड़पति। तो जरा मुझे बताएं कैसे करते हैं आप? ये हमारे लाख का जो काम है ये पेड़ से निकलती है लाख जी। और ये जिस तरह से रेशम का कीड़ा मुंह से निकालता है, ये झारखंड से आती है, कीड़े से कीड़ों को पाल के और पेड़ पे लगाते हैं, प्लासा का पेड़, देरी का पेड़, कुसुम का पेड़, ये लाख के पेड़ से आती है, ये झारखंड से आता है और लाखों औरतें इस काम में लगी हुई है जी। और तो ये कहा था क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे ये? मैं 10वीं पास करके मैंने ITI करी, ITI करके मैंने नौकरी करी, 2 साल मैं इंस्ट्रक्टर रहा SI में। मेरे पापा ने कहा तू नौकरी छोड़ दे, वो 67 की बात है। जब वो मैंने क्यों नौकरी छोड़ दी, भारत सरकार के बोला इसलिए छोड़ दो, सारे लाख के काम करने वाले पैसे के लालच में सब विदेश चले गए, मस्कत, अबू धाबी, शारजा, वहाँ पे जाके मजदूरी कर रहे हैं, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो 1200 रुपये तेरे को तनख्वाह मिलती है, छोड़ लाख का काम कर। और तू ITI कर लिए, तूने डाई फिटर बन गया है, नई नई चीज़ें बना, वो गए जाने दे छुरे में, तू अपना काम को प्रमोट कर। बहुत अच्छा पैसा कमाया, आपने नाम कमाया पूरी दुनिया में। सबसे पहले मैंने बटन बनाए और वो हिट हो गए, जोड़ी बोलते हैं जितने भी बटन बनाओगे सारे मेरे पास लेके आना, और मैं रोज़ाना 500 बटन बनाता, 500 रुपये रोज। और ये सब लाख के, 1 रुपये किलो लाख से, और 1 रुपये का 1 बटन 2 ग्राम का, 2.5 ग्राम का,
वो जितने भी काम करता था मैं तो वो बड़ा खुश होता था, चुपचाप बनाते थे मियाँ बीवी और शाम को 500 पीस बनाए, 500 रुपये जो मैं और बनाए। तो जब से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, रोज़ाना नई चीज़ बनाई, 5 साल बाद देखा कि पूरा जयपुर बना रहा है तो मैं बड़ा खुश होता था। तो कैसे कैसे बनाते थोड़ा सा बताइए। हम ये जो है लाख को हम पहले प्योर लाक को हम उसके अंदर सोप स्टोन पाउडर और ब्रूजा मिला के लाक बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ये लाक के कलर जो हमारे पास है ये भी प्योर लाक के कलर है, एक ब्रांड है और इसके ऊपर ये रंग लगाकर और ये सारे अधूरा काम करके लेके आए हूँ यहाँ पर। अच्छा, ताकि क्या टाइम नहीं, बड़े बड़े लोग आएंगे टाइम लगेगा तो 2 मिनट में 4 मिनट में ये ऐसे कड़ा बनाया, छोटा हाँ। साइज करेंगे छोटा हो जाएगा, बड़ा साइज करेंगे बड़ा हो जाएगा, ये चौड़ा कड़ा चाहिए उसको, ये ऐसे चौड़े कड़े बन जाएंगे गरम करके तैयार रखो। अच्छा, यहाँ पे पूरा आपने हीटर वगैरह सब लगाया हुआ है, लगा रखा है, ये हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट मैं देख रहा हूँ, गर्मी मुझे भी महसूस हो रही है। ये क्या है, देखिए थोड़ा सा एयर कंडीशन की वजह से हल्का सा थोड़ा सा वीक चलता है, देखिए फिर भी काम हो रहा है। तो ये सारे लाख के प्रोडक्ट्स हैं आपके? ये सारे के सारे ये मेरी इन्वेंशन है, सारे के सारे जो भी काम है मैं बच्चों को सिखाता हूँ, स्कूल के बच्चे आते हैं, एप्पल एकेडमी NID वगैरह सारे के सारे, ये मेरे बच्चे को अवार्ड के लिए रखा था तो लास्ट मीटिंग में रह गया, ये बच्चों ने भी बनाया है, ये सोने का काम हुआ है घोड़े पर। अब मुझे ये बताइए कि ये मनिहार हैं आप कह रहे हैं, क्योंकि तो हमारे देश में तो इतने सारे बच्चे हैं और वो मनिहार नहीं है, नहीं है वो, अगर काम तो क्या वो करना चाहें नहीं, तो नहीं, अगर करना चाहेंगे तो नई नई चीजें बनाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है मोदी साहब का, तो ये मशीनों से नहीं हो सकता? नहीं नहीं हो सकता, हाथ से होगा बिल्कुल। तो कितना पैसा कोई महीने में कमा लेगा? नहीं, अगर ऐसे करेगा अगर, तो अगर मेरे हिसाब से 20-30 हज़ार रुपए महीना कमा सकता है अगर ये काम सीख जाए। तो गांव से लोग नौकरी के लिए 20 हज़ार के लिए शहर भागते रहते हैं, सब बेकार है, गाँव में रह के कर सकते हैं। मोदी साहब का जो प्लेटफॉर्म इस वक्त G20 जो लगा है वो यही पर्पस है कि हमारे जो भारत है आत्मनिर्भर बने, किसी का मोहताज नहीं रहे, क्योंकि हमारी कला हमारे देश में ही कमी है। अगर हमारे देश के काम सीख जाएंगे, हमारे राजस्थान का स्वाग है, तो जयपुर के अंदर नई नई चीज़ें बने। लाख दरअसल महंगी हो गई है, डाइंग क्राफ्ट है, प्लास्टिक ने रबड़ ने और केमिकल ने दे दिया है, ठंडी लाख के नाम से बेचते जो लाख है ही नहीं, जो स्किन को करती है नुकसान देती है। ये हमारी जो प्योर लाख है इको फ्रेंडली है और ये G20 में इसीलिए प्लेटफॉर्म लेके आए कि तुम असली चीज़ है। तो आपसे जुड़ना चाहें तो क्या ना क्या रहेगा आपका एड्रेस? बिल्कुल यही है, मेरा एड्रेस है मनियारू कराता आवाज मोहम्मद साहब और म्यूजियम के पीछे जो है ये फोन नंबर जो आपका दे रखा है 9351225375 यही नंबर है आपका? यही मेरा नंबर है और ये मेरी बेटी को भी स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, वो भी बेटी ये भी बच्चों को काम सिखाती है, इसने भी SSG बना रखा है छोटा सा और हजारों लड़कियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनका नंबर मैं पढ़ दूं? अगर बिल्कुल पढ़िए बिल्कुल आप 8003832599। बाकी दो नंबर और भी हैं। हाँ, ये मेरा है मेरे बेटे का भी नंबर। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आप और जिए, लंबा जिए बहुत, और इसी एनर्जी के साथ आप क्या है कि लोगों को सिखाते रहें। मोदी साहब के लिए एक शेर था, मैं हर चैनल वाले को बताता हूँ कि जो इस आपाधापे की दुनिया के अंदर जो मोदी साहब ने जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है ये अपने आप में मिसाल बनता है, उसके लिए एक शेर बताया मैंने। वो शेर ये है कि मेरा कमाल फन तो बस इतना सा है जिगर, मोदी साहब के लिए इतना सही है, मेरा कमाल फन तो इतना सा है जिगर मोदी साहब के लिए, खाली जिगर को हटा के मोदी लगा दो आप चाहे, मेरा कमाल फन तो बस इतना सा है मोदी, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। वाह वाह। और ये आज पाँच दुनिया में 26 कंट्री के 28 कंट्री के बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला रहा, आज भाई का भाई दुश्मन है वो। आपका शेर सुनो आप कि नफरत का जहर खून में रंग लाने लगा है और जहरीला हर एक शख्स नज़र आने लगा है, और इस दौर के इंसान के अमाल तो देखो, शैतान भी इंसान से घबराने लगा है। वा, वा, और तुम आग को इस कैसे बुझा पाओगे, अख्तर साहब का शेर है, हर मोड़ पे अब खून भी टकराने लगा है, भाई भाई का दुश्मन है। उस दौर में ये G20 का होना अपने आप में इमेजिन एकदम सुपर, मेरा अपना विचार है, मैं दूसरे के विचार का नहीं, मैं अपने 76 साल के तजुर्बे में ये बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो कदम उठाया है ये कोई आसान काम नहीं। ये आदमी सब सोचते हैं कि यूँ ये है, सब दूसरे कहते ये है, उससे अपन को पता नहीं, गैरों को क्या पड़ी है कि रुसवा करें हमें, इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है, जानकारी इसके अंदर चीमा हुई है।
एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते। मुझे एक यह भाग गए, एक आदमी अपनी बीवी को परेशान करता था, मेरे को दावत दी उसने, मैं दावत में गया तो बीवी से कहता है, मैडम मेरा दोस्त आया है, आवाज़ मोहम्मद, एक अंडा बनाओ, ऑमलेट बनाओ। मैंने ऑमलेट बनवा लिया, बोले अरे मैडम बॉइल्ड भी बना देना। उसने बॉइल्ड बनाया, वो लेके आ गई, एक तरफ प्लेट में बॉइल्ड और एक तरफ में फ्राई। तो बोले ये क्या कर दिया तुमने, जो फ्राई करना था उसको तो बॉइल्ड कर दिया और जो बॉइल्ड करना था वो कर दिया। तो ये जो काम जो कर रहे हैं देश के अंदर टांग खींचने की, इट इज़ वेरी बैड। अच्छे काम के लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, मैं पार्टी से नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम अच्छे हैं उसका लिए आप योगदान बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो देश है वास्तव में विश्व गुरु जो बनने की सोच रखता है वो बन के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ मोहम्मद साहब। इंशाल्लाह आप बहुत लंबा जिए और आपकी इस सोच को सलाम। और साहब थैंक यू। मेरा नाम शैलेश कुमार है। शैलेश जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे दिल की बात सुनी। मैंने तो आदमी को दिल की बात कहना चाहता है, कहने को तो बहुत कुछ है मगर अपनी तो ये आदत है, हम कुछ नहीं कहते। आदमी कुछ डर के मारे नहीं कहता है, कुछ किसी के लिहाज से नहीं कहता है, लेकिन हमारा दिल खुला हुआ है। हम हर उस अच्छे काम की कदर करते हैं और हमारे इस्लाम में बताया कि पांच आदमी जब एक साथ बैठते हैं तो वो कभी बुरा नहीं सोच सकते, जबकि 26 कंट्री, नोट करो मेरी बात, ये वाकई इसमें कोई ये जो है अद्भुत काम है। ये G20 जो है ना, ये दूसरों के लिए क्या है मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं इस प्लेटफार्म पर आया हूँ, 76 साल की मेरी उम्र है, 77 में चल रहा हूँ, और जो मेरे को नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत सारे अमेरिका, लंदन, पेरिस, 26 कंट्री घूम के आया हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आके ऐसा देखता हूँ ये प्लेटफार्म मिल रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आके हमारा क्राफ्ट देखेगी, ये मोदी के लिए पढ़ना।